कराहल गुरुद्वारे में मनाया गया संक्रांत का विशेष पर्व। खबर कराहल से है, जहां कराहल में स्थित गुरुद्वारे समिति सेवादारों द्वारा संक्रांत का पर्व मनाया गया। सभी आने जाने वालों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। कई लोगों ने गुरुद्वारे के लंगर में प्रसाद पाया। सभी सिख समाज के लोगों ने सभी धर्म के लोगों को जनसेवा के भाव बनाए रखने की बात कही और कहा कि मानव सेवा ही सबसे सच्ची सेवा है। आज हम मौजूद हैं कराहल गुरुद्वारे में। यहाँ पे आज जो संक्रांत का जो पर्व बनाते हैं, सभी लोगों के लिए लंगर यहाँ लगाया जाता है। लंगर तो ऐसे ही जो हमेशा ही 12 महीने लगाया जाता है, लेकिन आज कुछ स्पेशल ये जो बनाते हैं सभी लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे मिलकर जानेंगे जो यहाँ के बाबा जी हैं, जो यहाँ के सेवादार हैं, तो मिलकर जानेंगे क्या इनके प्रोग्राम में बनकर है। जी बताइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सारे संगतों को यह बेनती है कि जो कि धन धन बाबा तारा सिंह साहिब बाबा सिकंदर सिंह उन्होंने देख रहे थे कि हेठ कराहल के जोती गुरुद्वारा साहब है, उत्थे हर संग्रांत अगे पिछे के मुसीबत कोई आने के लगन चलते हैं, क्योंकि बाबा जी की कृपा है कि कोई भी इस प्रकार हिंदू सिख ईसाई मुसलमान आए उसको हर लंगर मिलता है, रहन की सुविधा है। क्योंकि हर संग्रांत के संग्रांत भी लोग यात्री भी आते हैं, जो समूह संगत इधर की है वो भी दिया आके लंगर छकती है, और स्कूल के बच्चे हैं वो भी आके इधर पानी पीते हैं, ठंडा पानी कूलर लगे हुए हैं, सब व्यवस्था है, किसी की कोई भी रोक टोक नहीं है। तो हर संगत को बेनती है कि आओ गुरुद्वारे आकर दर्शन करा करो और आके लंगर पानी छको, और देखो कि सिख ईसाई और जो लोग कहते हैं कि लेके सिख हकवादी है या सिख वर्खवादी हैं, ये सिख वर्खवादी नहीं, ये भाई हैं। जो भी सरकार के बरखिलाफ़ बोलेगा अपने हक के लिए वो हमेशा हकवादेगा, लेकिन आगे पीछे क्यों नहीं कोई किसी के साथ लड़ता या भूलता। जो सरकारें ही लड़ातियाँ हैं, जो कि अपने वोटों के लिए अपनी रोटियाँ सेकतियाँ हैं, तो ज़्यादा ना बोल यही है कि हर कोई गुरुद्वारे आए, आके सिख ईसाई मुसलमानों का जो भाईचारा है इसको बड़े प्यार रखे। वाहेगुरु जी का बाबा जी का कहना है कि हमारे गुरुद्वारे में किसी भी धर्म के लोगों को आने की अनुमति है, किसी को यहाँ रोका नहीं जाएगा, यही कहना है आपका। हाँ जी, यहाँ खाने की व्यवस्था, कोई भूखा हो प्यासा हो उसको सारी व्यवस्था यहाँ की जाती है जी। भैया और क्या आप बताना चाहते हैं? यही बताना चाहेंगे कि अपने गुरुद्वारा साहिब में आकर सेवा कीजिए तन मन धन से, जो भी आपसे हो पाता है, क्योंकि बाबा जी यहाँ पर बहुत ही मेहनत के साथ गुरुद्वारा चला रहे हैं, जहाँ की यहाँ पर लंगर वगैरह का प्रबंध है, रहने की व्यवस्था है, और बड़ी सेवा भावना से यहाँ पर आइए और आकर जी बताइए सर, आप क्या बताना चाहते हैं? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी गुरुद्वारा गुरु का है, इसे हर धर्म का आदमी आ सकता है, और मनुष्यता की सेवा के लिए मानव की जात सभी के पहचान का ये हमारा संकल्प है, और हर धर्म का सत्कार करते हैं, हर धर्म का मान सत्कार होता है, इसमें जो मांस की जात होती है आदमी का इस धर्म के आदमी का सत्कार किया जाता है, कोई भी आए उसको वेलकम कहते हैं, और इस धर्म में सब व्यवस्था है, लंगर पानी की भी है, रहने की भी है, किसी भी प्रकार की कोई नोटबंद की सहायता नहीं करती है। बाबा जी का कहना है कि हमारा एक ही संकल्प है, सभी धर्मों की मानव सेवा, केवल एक ही धर्म नहीं, हम सभी धर्मों की मानव सेवा करना चाहते हैं, और हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति इन्हीं कामों में साथ में आ गया है, अमीर हो या गरीब हो सभी एक साथ मिलकर काम में आते हैं। जी बताइए क्या था? वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारी सभी भाई बहनों को ये निवेदन है कि हमारे जहाँ सावन का महीना है जो समाप्त हुआ है, बादलों की संक्रांत है जी, हम हर महीने जहाँ मनाते हैं संक्रांत के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ मैं लंगर के बारे में। हमारे श्री गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे, यदि उनके पिता ने उनको कहा कि बच्चा तू कोई काम कर ले, ये 20 रुपए मेरे से ले जा, और 20 रुपए का कोई सच्चा सौदा करके आए। गुरु नानक देव जी गए, उन्होंने देखा कुछ भूखे साधु थे, भूखे साधुओं को उन्होंने 20 रुपए का लंगर छका दिया। जो उन्होंने लंगर छकाया तो पिता ने बोला, बता बच्चा आज तुम क्या काम करके आयो? उन्होंने बोला, पिताजी मेरी नज़रों में तो सबसे सच्चा सौदा यही था कि 20 रुपए का लंगर मैंने भूखे साधुओं को छका दिया।
यदि उन्होंने भूखे साधियों को लंगर छकाया तो वही 20 रुपए का लंगर आज तक सभी गुरुद्वारों में चल रहा है, उनका हम ब्याज खा रहे हैं। देखो यदि भी कभी कोई मुसीबत भीड़ पड़ती है, कोई कुदरती आफत आती है, तो जो सिख भाई होते हैं आगे बढ़कर 20 रुपए का लंगर ही लगाते हैं। वे आज देखो कितनी संसार में बहुत बड़ा विशाल इसका जो है रिजल्ट मिला है हमको। मेरी सभी भाई बहनों को यही निवेदन है कि गुरु नानक देव जी ने ये बोला था, ना ही कोई हिंदू, ना ही कोई मुसलमान, ना ही कोई सिख, ना ही कोई ईसाई, हम सब मिलके भाई भाई। इसलिए मेरे सभी भाई बहनों को निवेदन है कि हम हर महीने जो संक्रांत मनाते हैं, सभी भाई बहनों जहाँ आके जमा नतमस्तक होए, लंगर छके, अपने हाथों में सेवा करे, कोई अपने धन से सेवा करे, कोई हाथों से सेवा करे, जिसकी जिसी भी कामना हो वो सभी संपूर्ण होती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है, जो एकता का इन्होंने संदेश दिया है कि ना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब वैसे भी हिंदुस्तानी है। कैसी अगर सिख समाज जो ये करता है, लंगर लगाते हैं, हमने कोरोना काल में भी देखा था, हमने तब भी ये खबरें कवरेज की थी, यहाँ प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे, जो जनता पैदल आ रही थी उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, रुकने की नहीं हो पा रही थी, तब इसी कराल गुरुद्वारे ने, समिति ने, उन सभी जो पैदल आ रहे थे, असहाय थे, अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब इन्हीं लोगों ने रोज 500 रुपए का लोगों का खाना बनाया था, उन्हें खिलवाया था, उन्हें नहाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, और जहाँ तक है कि उनको अगर कहीं जाना है तो उन्हें पहुँचाने तक की व्यवस्था इस गुरुद्वारा समिति द्वारा की गई थी। और पूरे मध्य प्रदेश में से कई तस्वीरें सामने आई जिसमें गुरुद्वारा समिति के जो लोग थे वो आम लोगों की मदद करते नजर आ रहे थे।